नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव सह कोशी के संगठन प्रभारी लक्ष्मण कुमार झा ने आज सुपौल पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम एक सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से किया और मांग पत्र के माध्यम से लक्ष्मण कुमार झा ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि डीजल पेट्रोल पर भी GST लागू किया जाए, साथ ही दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए गैसों की दामों पर भी लगाम लगाई जाए। वहीं देश के गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों की पढ़ाई पर भी सरकार द्वारा वार किया गया है। बच्चों की पढ़ाई की सामग्री किताब कॉपी की जो दाम बढ़ाई गई है उसे अविलंब वापस लिया जाए। अगर समय से वापस नहीं ली जाती है तो देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग यही समझेंगे कि केंद्र सरकार हमेशा से गरीब और मध्यम वर्ग पर वार करती रही है और जिसका जीता जागता सबूत देश के सामने अभी आ गया है। इसलिए श्रीमान से मांग करता हूं कि हमारी इस सारी समस्याओं पर अविलंब अमल किया जाए और डीजल पेट्रोल पर GST लागू करते हुए बढ़ती हुई गैसों के दामों पर लगाम लगाते हुए बच्चों की शिक्षा में युक्त किताब कॉपी की बढ़ोतरी दामों को वापस लिया जाए। अगर समय से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। आए हैं एक सूत्री ज्ञापन श्रीमान सुपौल जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से, जिसके प्रधानमंत्री के नाम हमने दिया है और मांग पर समर्पित करने के बाद मेरा मांग यही है जो आज सबसे पहले महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी देश में चरम पर है, अविलंब जो है महंगाई की बढ़ते डीजल पेट्रोल की दामों की महंगाई को रोकने के लिए इसमें एक ही काम करेगा जो उसको अविलंब GST लागू किया जाए। और हमारा मांग है जो डीजल पेट्रोल पर अविलंब जो है केंद्र सरकार GST लागू करे, साथ ही गैस की बढ़ती हुई दामों को भी कम किया जाए और उसके बाद गरीब के मध्य वर्ग के बच्चों के शिक्षा पर भी केंद्र सरकार के द्वारा वार किया गया है। शिक्षा के सामग्री जैसे किताब कॉपी लीड की के दामों को भी सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। मेरा मांग है अविलंब जो है गरीब के और मध्य वर्ग के बच्चे के शिक्षा को चौपट करने की जो ये केंद्र सरकार की साजिश है उसको अविलंब रोका जाए और अविलंब बढ़ोतरी पढ़ने लिखने के सामग्री पर जो दाम बढ़ाई गई है उसे अविलंब केंद्र सरकार वापस लें। अगर नहीं लेगी तो बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ इस समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन